मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी को जय माता दी। आज है माता रानी का सातवां दिन, यानी कि माँ काल रात्रि का दिन है आज। और आज मैंने पहनी है ब्लू कलर की साड़ी और मैं सीधा ना पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि टाइम लगता है इसमें पूजा की तैयारी करने में, तो इसलिए डायरेक्ट ना मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की। अभी किचन में नहीं गई हूँ क्योंकि पापा को अभी टाइम है, अभी तो पापा नहाएंगे धोएंगे फिर उसके बाद ऑफिस जाएंगे, तो जब तक तो किचन में कर लूँगी मैं पूजा करने के बाद जाऊँगी किचन में। और दीदी ने ऑलरेडी सब्ज़ी बना दी है बैंगन आलू की, तो सब्ज़ी तो बन चुकी है। मुझे आटा गूंथ के बस पापा के लिए पराठे सेकने, लंच वगैरह के लिए और खाने के लिए। तो बस यहाँ पे फूलमाला वगैरह सब कुछ आ गई थी। कई बार क्या हुआ, फूलमाला वाला ना फूलमाला बहुत लेट दे के जाता है, तो बट एक दो दिन से तो टाइम पर दे के जा रहा है। दीदी ने उसे फ़ोन करके बोला है, तब जाके उसने दो माला ही दिया। अदरवाइज़ क्या होता था, एक एक माला दे के चला जाता था, टांग के चला जाता था, मतलब बाहर ही गेट पे, तो पता नहीं लग पाता था। बट अब जब बोल दिया ना एक दिन, तब से देने लग गया। तो यार मैं पूजा कर चुकी हूँ, पाठ भी पढ़ लिया मैंने, तो मैं आ गई हूँ किचन में और आटा गूंद लेती हूँ। आटा गूंद के पापा के लिए कर देती हूँ फटाफट से। और ये साड़ी यार आपको दिखने में बहुत सिंपल सी लग रही होगी, बट ये बहुत हैवी लग रही थी मुझे। पल्ले की साइड से ज़्यादा हैवी लग रही थी, बार बार पीछे की साइड को जा रही थी, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है ना वो बहुत हैवी है, मतलब सीसे लगे हुए हैं तो इसलिए। और पूरी एम्ब्रॉयडरी है जो वो साइड साइड में बॉर्डर में ही आ रही है, तो इस वजह से ना बहुत हैवी हैवी सा लग रहा था। बट कोई नहीं, मैंने कहा पहन लेती हूँ, पहन नहीं पाती हूँ इस साड़ी को, रखी हुई थी और मैंने ब्लॉग में यूज़ भी नहीं कर पाई है, तो इसलिए फिर मैंने यही वाली पहन ली आज। और बस सब बाकी सब लोग कर रहे हैं पूजा और मैं यहाँ सीख रही हूँ पराठे। गाय का पराठा निकाल दिया ऑलरेडी, मतलब बच्चे गए थे स्कूल तभी दीदी ने बनाया था बच्चों के लिए, तो अभी निकाल दिया था गाय का पराठा और अभी बन रहा है पापा के लिए पराठे। मम्मी ने लगा लिया पापा के लिए थाली खाने के लिए, और चाय भी ले आ रही है, साथ में नाश्ता भी कर लेंगे, पराठे सब्जी सब कुछ ले लिया, क्योंकि पापा जो है ना वो सब्जी से ही खाते हैं सुबह को पराठे। और ऐसे ही मेरे पापा हैं, मेरे पापा भी सुबह को सीधा खाना ही खाते हैं, मतलब उनका ये नहीं कुछ स्पेशल नाश्ता, कुछ अलग से ब्रेड व्रेड कुछ ऐसा कुछ बना दो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें सुबह को सब्जी रोटी मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे ही मेरे ससुर जी हैं जो ये भी ऐसी हैं, तो बस यार पैक कर दूँगी पापा के लिए खाने के लिए, तो बस पैक करने अब। और यार पूजा करने के बाद ना आरती जो है वो मैं अपने फ्लोर पे ऊपर भी घुमा देती हूँ पूरे में, तो सही रहता है। और इनको भी दे देती हूँ, हस्बैंड और जीनू ऊपर रहते हैं अगर, तो इनको भी दे देती हूँ। हस्बैंड फिलहाल नहाने के लिए गए और जीनू सो रही थी। जीनू लो आरती ले लो, बेटू आरती ले लो। अपने आप लेता है जीनू, अपने आप लेगा। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय माता की। और ये है चरणामृत का प्रसाद, तो वही दे रही हूँ हस्बैंड को और जीनू को। चरणामृत में सब कुछ डालते हैं, बट तुलसी जी जो होती हैं वो नहीं डालते हैं, तुलसी दल बाकी सब कुछ डालते हैं। और जीनू ने देखो पूरी बास्केट ले आई है, खींच के अंदर से सारे टॉयज वॉयज सब फैला दिए हैं। और यहाँ पे पी लेते हैं अब चाय, चाय बन के रेडी हो गई है। तो भाई मैं ले आई हूँ चाय अपनी, मेरी चाय आप लोग भी पी लीजिए। और जय माता दी आप सभी को, माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, सबको खुशियां दे खूब सारी। तो आज है माता कालरात्रि का दिन, सातवां नवरात्रा, और बस कल का और दिन है, उसके बाद फिर नौमी। नौमी को हम लोग कन्या खिलाते हैं, किसी किसी की अष्टमी पूजा जाती है, किसी किसी की नौमी, तो हमारे तो नौमी पूजी जाती है। तो कल सबका फास्ट रहेगा, सबका व्रत रहेगा, और फिर परसों कन्या हो जाएंगी। और यार आज मैंने पहनी है ये ब्लू साड़ी, माता कालरात्रि की ब्लू फेवरेट। देखो थोड़ी भारी लग रही है, देखने में आपको हल्की लग रही होगी, बट इसका जो बॉर्डर है ना ये बहुत हैवी हैवी लग रहा है मेरे को, बहुत हैवी फील हो रहा है पल्ला जो है पीछे की साइड में। बट मैंने पहन ली क्योंकि मेरे पास एक और ब्लू है वो भी हैवी, वो तो इससे भी ज़्यादा हैवी है, और जो एक और है वो थोड़ी सी लाइट वेट है, तो वो फिर आपने देखी भी हुई है, तो फिर मैंने वो नहीं पहनी क्योंकि वो ऑलरेडी पहनी हुई है मैंने काफ़ी बार,
तो मैंने कहा अली पहन लेती हूँ क्योंकि मैंने पहनी नहीं है, मतलब रूटीन में नहीं पहनी है, वैसे आपको दिखाई है कलेक्शन में बट वैसे नहीं पहनी है, तो इसलिए फिर मैंने अली पहन ली। ब्लू साड़ी कैसी लग रही है मेरे को? मेरी बहुत फेवरेट है ये, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये। मुझे मिली थी करवा चौथ पे, जब मेरा पहला करवा चौथ था तो मम्मी ने मतलब मुझे दे दिए थे, पैसे दे दिए थे, मैंने खुद जाके पसंद करके ली थी। तो कैसी लग रही है कॉमेंट करके बताना। चलो यार चाय पी लेती हूँ, फिर थोड़ी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूँ। तो देखो यार वाइपर से लगा रही हूँ मैं आज, क्योंकि हिम्मत नहीं थी मेरे को ये साड़ी पहन के, और मैं हाथों से पोछा लगाऊँ बैठ के, तो इतनी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कहा वाइपर में डालूँ और फटाफट धो धो के लगाती रहूँ। और कैमरा मैंने साफ़ नहीं कर पाया था, कितना गंदा आ रहा है, मैंने बाद में देखा था क्वालिटी बहुत बेकार रहती, कैमरा एक्चुअली साफ़ ही नहीं कर पाया, याद ही नहीं रहा। और इतने में जीनू ने आवाज़ लगा ली कि मम्मा मेरे को ले जाओ आके, नहा रही थी अपने आप शावर में, तो फिर उसको ले कर आ गई। अब डांस कर दो, तेरी झलक सटफी कर दो, जीनू कैसे करते हैं, अरे कर दो थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा कर लो। तो यार मैं फिलहाल जा रही हूँ नीचे, रोटी सेक देती हूँ सबके लिए खाने के लिए, और बहन के लिए भी ले आती हूँ ऊपर। चलो बेटा, मम्मी और दीदी है नहीं, मम्मी और दीदी अभी गए हैं सुहागलों में, सुहागले हैं किसी के यहाँ तो वहाँ गए, तो बस सेक के रख देती हूँ मैं, जब जिसको खाना होगा तब खा लेगा। जीनू नीचे मत जाओ, नीचे दादी नहीं, बेटू आ जाओ नीचे, दादी नहीं, आ जाओ। हाँ खाऊंगी, बना दू बैंगन आलू बने आज, बैंगन आलू बने, बैंगन आलू खाओगे, बैंगन से रोटी, बैंगन आलू खाऊंगी। देखो ये वाली सब्जी देखो, आलू है इसमें, आलू दे दू, आलू से दे दू। मैं यार मोस्टली इस वाली गैस पे सेकती हूँ क्योंकि ये वाली थोड़ी कम जलती है, तो इसका थोड़ा सा जल्दी होता है, फटाफट सिक जाता है। ये पराठे वराठों के लिए सही है वाला चूल्हा जो है, तो पराठे धीमी आंच पे सिकते हैं। मम्मी हाँ बेटा आटा दे दो। अरे हाँ जीनू का चकरा मिला, ये रहा ये ना जीनू का चकरा मिला, मम्मी आटा दे दो, आटा दे दो, जीनू की रोटी बनाएगा है। दिखा तो तुझे, वो तो साफ किया था, धोया था, लो। तो यार रोटी तो हो चुकी है और जीनू ने भी खा ली थी, छोटी छोटी रोटी उसने खुद बेली थी और फिर वो सिकवाई थी और फिर आलू से खा ली थी, उसे आलू से अच्छी लगती है। और यहाँ बस बर्तन वर्तन धुल चुके हैं और अब मैं किचन जो है वो साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद फिर जाती हूँ ऊपर और ख़ुद भी देखती हूँ कुछ खाने पीने का। अरे हाँ यार कपड़े भी रह गए मशीन में, मतलब एक्चुअली धुल तो गए थे बट सुखाने के लिए रह गए, तो वो भी मैं ऊपर जाके सुखाऊँगी अभी। अपने आप बादाम छील रही हैं। हाँ इसमें लग जाती, नेल्स में पहले लग गई थी ना एक बार अंदर, अब नहीं लग रही मेरे, अब नहीं लग रही, सॉफ्ट है ना, कल के भिगो दिए थे मैंने। ओके थैंक यू, थैंक यू, ओके थैंक यू, छिल गया, छिल लिया, इसमें डालते रहो बेटा छिलके, दो तो मत फेंको। तो यार मैं ना साड़ी वाड़ी सही कर रही थी सुबह से, काम में लगे लगे ना पूरी बेकार हो गई थी, और मैंने सोची थी यार शॉर्ट वीडियो वगैरह भी कुछ बना लेती हूँ, तो उसी के लिए बस रेडी हो रही थी, इयरिंग वगैरह निकाल के देख रही थी कौन से क्या पहनूँ, तो बहुत देर बाद भी मैंने डिसाइड करा खाली इयरिंग पहनती हूँ, गले में रहने देती हूँ, कुछ नहीं डालती, तो बस वही। और चूड़ी वगैरह वो भी चेंज करनी थी तो वो भी कर रही हूँ मैं, ब्लू कलर की डालनी थी मुझे खाली, तो बाकी वाली निकाल दी मैंने खाली, ब्लू वाली डाल दी। और मैं ना थोड़ी बड़ी चूड़ी पहनती हूँ एक्चुअली, लग रहा हो क्योंकि मेरी छोटी कलाई तो छोटी है बट स्टार्टिंग से जब डालो ना तो हाथ थोड़ा सा वैसा है, मतलब चौड़ा सा होता है ना, तो वैसा हड्डी सी आ जाती है बीच में, तो चूड़ी ना बड़ी आती है मेरे को, तो वही 2.5 इंची के अराउंड कुछ वही पहनती हूँ, मेरी मम्मी का भी यही साइज़ है, तो बस कलाई में जाने का, तो मुझे वैसे भी थोड़ा सा ना लूज़ ही अच्छी लगती हैं, बहुत टाइट ना चढ़ती नहीं है, फिर चोट वोट लग जाती है कलाई में, तो उससे बेटर है कि थोड़ा सा लूज़ ही पहनती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे डाल लेते हैं चूड़ी फटाफट से, और जीनू मैडम है नहीं वरना वो भी वो कुछ करने ही नहीं देती, वो फ़िलहाल में नीचे है अभी।
तो यार मैं बनाने थी शॉर्ट वीडियो, क्योंकि रिंग लाइट जो है वो यहीं पर रखी है और रिंग लाइट से क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है लाइटिंग वगैरह, तो इसलिए मैंने कहा ऊपर जाके बना लेती हूँ। और फैन ऑफ कर दिया था मैंने, कितने वक्त तो पसीना आ गया मुझे, तो बस बन गई। अब नीचे जा रही हूँ और इनको खाना दे देती हूँ। खा लिया खाना? ऊपर गई थी, ऊपर वीडियो बनाने गई थी। मैं चला रही हूँ एसी भैया, गर्मी लग गई। जीनू बाहर भाग गई, दी हम शायद दादी के पास भाग गई हूँ, दादी के पास चली। हाँ मम्मी के पास गई थी, फोन कर लेकर मम्मी को पूछ लो, नीचे ही गई होगी, वैसे मैं तो अंदर थी। अब बना लेती हूँ एक आध रील, उसके बाद मैं साड़ी उतार दूँगी क्योंकि बहुत हैवी लग रही है मुझे। तो यार अभी हो रहा शाम का टाइम और आज दीदी और अपने लिए बना रही हूँ मैं समा के चावल की खिचड़ी। तो बस वही घी लगा लिया देसी, उसमें डाल दिया टमाटर, हरी मिर्च डाल दिया। और मुझे समा के चावल की खिचड़ी में ना टमाटर खूब सारे अच्छे लगते हैं, मतलब खट्टी खट्टी सी हो जाए, क्योंकि और कुछ तो हम डालते नहीं हैं व्रत में। और थोड़े से डाल दिए आलू और बस इसके बाद जो चावल मैंने धो लिए थे वो चावल इसमें डाल दूँगी। इतनी मस्त बनी थी ना, बहुत अच्छी बनी थी, खट्टी खट्टी। और बाकी कुछ भी नहीं डाला था, बस व्रत वाला नमक कुछ भी नहीं डाला था, फिर भी इतनी बढ़िया बनी थी। पता नहीं क्यों यार, व्रत का जो खाना होता है ना बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, चाहे कूटू कैटे की पूड़ी हो, मतलब नॉर्मल बनाते हैं फिर भी इतना अच्छा लगता है। तो बस एक सीटी लगा लूँगी इसमें, बन के रेडी हो जाएगी। और थोड़ा नमक तो पहले डाल ही देता, थोड़ा सा और डाल दूँगी, बाद में धनिया डाल दूँगी जब बन जाएगी तब। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पर, आपसे मिलते हैं अब कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आ जाइए, खा लीजिए, भोग लगा लीजिए आप भी। बाय।